हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग की थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर की रीडिंग के सारे डिफिकल्ट वर्ड की प्रोनंसिएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस मैं इस चैप्टर का बताने वाला हूँ। चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको किस प्रकार से हम लोगों को सीखना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। मतलब सपोज़ करिए आपके पास मैजिकल पावर्स आ जाए और आपके पास जो है फ़न करने के लिए काफ़ी कुछ हो जाए, जिस चीज़ को आप जिसमें चाहें उसमें चेंज करते हैं, कितनी अच्छी बात होगी। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज, आप किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, किस में चेंज करना चाहोगे, ये आपकी इच्छा होगी। इसी प्रकार डायग्राम में दिखाया गया है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, जबकि हम लोगों के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होती, ये सभी लोग जानते हैं, कोई भी मैजिकल पावर्स हम लोग के पास नहीं है। ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग बिना मैजिकल पावर्स के चेंज कर सकते हैं। शायद परहैप्स मनी थिंग्स, शायद काफ़ी चीज़ें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या आप ऐसी कोई लिस्ट बना सकते हैं जिसको आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, बिना किसी मैजिक के। तो बिल्कुल लिस्ट तैयार कीजिए। मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप लोगों ने कई तरह के चेंजेस देखे थे। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो कि हो रहे थे, ऑन देयर ओन, जो कि अपने आप ही होते थे। इन द फील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर रहते हुए किसान क्या करते हैं, खेती में परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से समटाइम्स कभी कभी लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, वो गिर जाती हैं, पेड़ों से अलग हो जाती हैं, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और अपना रंग भी बदल देती हैं। ये भी एक तरह का परिवर्तन ही माना जाएगा। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन बाय द अवे आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आप जानते हैं कि योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून बढ़ते हैं, योर हेयर ग्रोज, आपके बाल बढ़ते हैं, यू गो ट्रॉलर, आप भी बढ़ते हो, एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी लंबाई बढ़ती जाती है आपका वेट, आपका भार भी बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या आपने देखा है कि ऐसे परिवर्तन जो आपके आसपास हमेशा होते रहते हैं उनकी एक लिस्ट आपको तैयार करनी है और उसको सेंड कर देना है आप लोगों को स्कूल की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में। कैन सम चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या इनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, किस प्रकार से, कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग कई तरह के परिवर्तन को एक कैटेगरी में बना सकते हैं। इट माई हेल्प, ये आपकी सहायता करेगी। इफ़ यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, अगर आप लोग उसमें से कुछ की जो समानताएँ हैं उसको निकाल लोगे तो कैटेगरी बनाने में आपको आसानी होगी। अगला जो टॉपिक है 6.1 का, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या आपको लगता है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं इस प्रकृति के द्वारा, या फिर हम लोग ये कहें अप्रत्यक्ष द्वारा, जो भी परिवर्तन होते हैं क्या इसको वापस से पुनः पुरानी अवस्था में हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, भेज सकते हैं, क्या ये संभव हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की। तो क्या है एक्टिविटी नंबर 1, आप लोग भी अपने घर पर इस तरह की एक्टिविटी जो कि NCERT बुक्स में दे रखी गई है आप लोग अपने घर पर कर सकते हो, लेकिन घर पर करते समय ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्ग को ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ साइंस की ऐसी होती हैं जिसमें बड़ों का होना अनिवार्य है। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, एक गुब्बारा आपको लेना है, उसमें हवा भरनी है। टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा हवा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हवा भरने से ये फट सकता है। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, आपने क्या देखा, जो बलून का शेप था और जो उसका साइज था उसमें परिवर्तन आया। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून, अब आपको क्या करना है, उस बलून को छोड़ना है। तो जैसे ही आपने बलून को छोड़ा उसकी हवा बाहर निकलने लगी और बलून भर से वो पिचक गया, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटी 2 की। तो क्या है 2 वाली एक्टिविटी, इसको भी आप लोग अपने घर पे कर सकते हो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सोन इन फिगर 6.2, जैसा कि फिगर नंबर 6.2 में बताया गया, आपको एक पेपर पीस लेना है और उसको फोल्ड कर देना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इन टू टॉय एरोप्लेन, और उस पेपर से आप लोगों को एक एरोप्लेन बनाना है, टॉय एरोप्लेन बनाना है, हवाई जहाज बनाना है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा जब इस प्लेन को आप लोगों ने उड़ाया होगा, बिल्कुल आया होगा, आप लोगों ने उड़ाया भी है। वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट, अनफोल्ड द पेपर अगेन, वापस से उस एरोप्लेन को आप लोगों को पेपर को खोल लेना है और वापस से वो पेपर अपनी मूल अवस्था में, अपनी पुरानी अवस्था में, पुराने स्टेट में वापस आ जाता है। तो आगे देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। एक्टिविटी नंबर 3 देख लेते हैं अब। टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल,
तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ डफ लेना है और उसकी एक गोल गोल मतलब एक बॉल तैयार करनी है, ट्राई टू रोल आउट, और एक तरह से आपको रोटी बनाने का प्रयास करना है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, आपको इसके शेप से बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप खुश नहीं होंगे, एंड विश टू चेंज इट्स बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन, और वापस से आपने उसकी गोली बना के उसको वैसे ही डफ में तैयार कर दिया। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 वाला समझ में आ गया। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3। आपको क्या करना है, तीनों तरह की एक्टिविटी जो बताई गई हैं उनके बारे में सोचना है, विचार करना है और बताना क्या है। चलिए देखते हैं, वॉट डू यू दे कॉमन इन इन कॉमन, तो तीनों ही एक्टिविटी में कॉमन चीज़ क्या थी, इसको आपको बताना है। अगर आपको ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कॉमन क्या चीज़ लगी इन तीनों एक्टिविटीज़ में। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक, क्या ये पॉसिबल था बलून की पुरानी अवस्था में ले जाना टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट में बिल्कुल यस लिखिए, और मैं बता दूं बिल्कुल आपने उस बलून को फुलाने के बाद वापस उसी बलून को पिचका दिया, वापस वो बलून अपनी अवस्था में पहुंच गया, तो ये चेंजेस आप लोगों ने देखा होगा। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, आप लोगों ने देखा एरोप्लेन बनाने के बाद भी आप लोगों ने पेपर को वैसे ही खोल दिया जैसे पेपर को फोल्ड किया था, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल टू डफ अगेन, क्या उस गोली को जो आप लोगों ने रोटी के आकार में शेप बनाया था उस रोटी की गोली फिर वापस आप लोगों ने उसी अवस्था में परिवर्तित की, यस और नो जरूर बताएं कमेंट करके। अब हम लोग बात करेंगे वॉट डू यू कंक्लूड, आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या था इसका कंक्लूजन इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़। इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आर एक्टिविटी, जब भी एक्टिविटी स्टार्ट की थी क्या आपने देखा कि उसी एक्टिविटी जहां से हमने स्टार्ट की थी वापस वो एक्टिविटी उसी स्टेट में आ गई, यस और नो। इफ द आंसर इज यस तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट द चेंज अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ परिवर्तन जो हमारे आसपास होते रहते हैं उनमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं, उसी अवस्था को हम लोग फिर से वापस पुरानी अवस्था में ले जा सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 1 में आपने किया, एक्टिविटी नंबर 2 में आपने किया, और इसी प्रकार से एक्टिविटी नंबर 3 में आप लोगों ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 4 देख लेते हैं। टेक्स द सेम बलून, आप लोगों को वही बलून वापस फिर से ले लेना है विच यू यूज्ड इन द एक्टिविटी नंबर 1, जो एक्टिविटी नंबर 1 में आपने इस्तेमाल किया था, ब्लो इट टू द इट्स फुल साइज, और आप लोगों को इसके फुल साइज तक फुलाना है, एंड टाई इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली, और क्या करना है उसके मुंह को आप लोगों को धागे से बांध देना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, और पेंसिल की नोक की सहायता से उस बलून में छेद करना है, तो क्या हुआ बलून फट गया, जी हाँ बिल्कुल फट गया, ओप्स इट बस्ट। एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, वही जो आपने एक्टिविटी 2 में जो आप लोगों ने लिया था पेपर उसी को फिर से लेना है, ड्रॉ एन एरोप्लेन, अगेन आप लोगों को एरोप्लेन उस पर डायग्राम की सहायता से बनाना है और कट कर लेना है उसकी आउटलाइन को, और एरोप्लेन बिल्कुल इसी तरह से निकाल देना है, तो अब क्या ये कागज़ बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच पाएगा ऐसा आपको लगता है। चलिए एक्टिविटी नंबर 6 में देख लें, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल टू डफ अगेन एंड बेक इट अ तवा, आपने रोटी की गोली जो तैयार की थी शेप आपने रोटी का दिया था, अब क्या करना उस रोटी को आपको क्या करना तवा की सहायता से पूरा रोटी तैयार कर लेनी है। सपोज़ यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्स आफ्टर एक्टिविटी नंबर 3, जैसे कि आप लोगों से पहले ही एक्टिविटी नंबर 3 के बाद क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरह से अब अगर क्वेश्चन पूछे जाएं व्हाट वुड वी बी द आंसर, अब क्या आंसर होगा, क्या अभी भी यस होगा, क्या ये अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ गए हैं एक्टिविटी नंबर 1 में जो आपने बलून इस्तेमाल किया था जिसको आपने पेंसिल की सहायता से फोड़ दिया था, क्या वापस अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच पाएगा, सेकंड वाले में जो एरोप्लेन की कटिंग आपने निकाली थी वापस उसी कटिंग जुड़ जाएगी, या तीसरा रोटी बनने के बाद वापस क्या आटे की गोली बना सकते हो आप लोग, यस और नो कमेंट में ज़रूर बताएं। वी सी द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वापस से पुनः उनकी पुरानी अवस्था में नहीं भेज सकते, तो जिनको पुरानी अवस्था में नहीं भेज सकते उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर, देखिए ध्यान से समझिए, यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज़
देयर शेप एंड साइज चेंजेस कैन बी रिवर्स दिस चेंज. आपको क्या करना है, पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करना है विद रिपीटेड यूज़ के लिए, दोबारा दोबारा इस्तेमाल करने के लिए. उनके साइज और उनके शेप में क्या परिवर्तन होता है अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो पेंसिल का, और अगर इस्तेमाल करते हो इरेजर का, तो आपने देखा होगा पेंसिल की नोक धीरे धीरे घिसने लगती है और एक समय आने के बाद पेंसिल की नोक बिल्कुल कम हो जाती है. शार्पनर की सहायता से आपको फिर से पेंसिल को छीलना पड़ता है, और इसी तरह से इरेजर से भी अगर आप लोग यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इरेजर भी ख़त्म हो जाएगा. तो कैन देख लेते हैं, कैन वी रिवर्स, क्या हम लोग वापस से इरेजर बना सकते हैं, वापस से पेंसिल बना सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले. आप लोगों ने जो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको देखा होगा, वो क्ले की सहायता से, चिकनी मिट्टी की सहायता से किस प्रकार से किसी बर्तन का शेप तैयार कर लेता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इसको हम लोग वापस से रिवर्स कर सकते हैं. ही देन बेक्स द पॉर इन अ ओवन, और उसको बनाने के बाद वो ओवन में क्या करता है, उनको सेकता है जिससे वो मजबूत हो सकें. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, और क्या अब इसको आप लोग रिवर्स कर पाओगे. सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1, कुछ चेंजेस बताए गए हैं जो कि 6.1 में आप लोगों को कंप्लीट करने. विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, तो आप लोगों को ये फिल करना है अपनी अपनी बुक्स में कि कौन कौन से रिवर्सिबल चेंज होते हैं और कौन कौन से रिवर्सिबल नहीं होते हैं. तो अपने आंसर्स को यस और नो में कंप्लीट करके आप लोगों को ग्रुप में भेजना है. वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स, तो हम लोगों ने एक रास्ता तैयार किया जिस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कोई भी चेंज किस प्रकार से रिवर्सिबल हो सकता है और किस प्रकार से वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता. Could there be other ways to bring a change? क्या कोई और रास्ता है जिससे हम बता सकें कि कोई चीज़ चेंज किस प्रकार की है. We all have seen the tools which are used to dig the soil. तो we have seen काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी किसानी खेती के काम में आने वाली, उसी में से dig the soil, soil को खाड़ने के लिए जो खुरपी होती है उसको भी हम लोगों ने देखा होगा. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से वुडन के हैंडल में इसको फिक्स किया जाता है. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स. आप लोगों ने देखा होगा लोहे की जो आगे का सिरा होता है उसमें छेद होता है और उसी छेद की सहायता से वो लकड़ी क्या होती फंसी रहती है. तो वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड होती है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, क्योंकि कारण क्या होता है, वो जो रिंग होती है, जो घेरा होता है, जो गोल छेद होता है, वो लकड़ी की साइज के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि मजबूती से फिक्स करने के लिए हमको थोड़ा सा साइज कम करना पड़ता है. टू फिक्स द हैंडल प्रॉपर वे, द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज. जबकि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पिघलते हैं, या फिर ये कह लें कि उनका साइज एक्सपेंड होता है, और सर्दियों में उनका साइज जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ता है, मतलब कहने मतलब वो पिचकता है. नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इन टू द रिंग, और इस प्रकार से वो जो हैंडल था वो उसमें फिक्स हो जाता है. वेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट, तो जब वो ठंडी के समय आता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और इस प्रकार वो टाइटली बैठ जाता है. सच ए चेंज is also used for fixing the metal rim or a wooden wheel of a cart as shown. और इसी तरह से ही आप लोगों ने देखा होगा जो व्हील होती है, जो कार्ट के पहिए होते हैं, उसको भी इसी तरह से फिक्स किया जाता है. अगेन मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. इसी प्रकार से वुडन की व्हील को ऊपर चढ़ाने के लिए हम लोग जो नीचे की जो रिम होती है लोहे की, उसको छोटा साइज में रखते हैं जिसमें वो टाइटली अच्छे से फिट हो सके. गर्म होने पर आप लोगों ने पढ़ा एक्सपेंड होता है, और ठंडा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील. कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील. बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ. अब बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट पेज की. व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन, आपने देखा होगा किसी बर्तन में अगर आप लोग पानी को उबालते हो, इट बिगिंस टू बॉइल आफ्टर सम टाइम, और पानी कुछ समय के बाद उबलने लगता है. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम उसको उबलने को जारी रखते हैं, पानी को गर्माना और ज़्यादा जारी रखते हैं, देर तक जारी रखते हैं, द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द
पैन बिगिंस टू डिक्रीज, तो आपने देखा होगा उस पैन में जो पानी आपने लिया था उसकी जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर इन एक्टिविटी 7। तो 7 एक्टिविटी जो यहाँ बताई गई है उसमें आप लोगों ने एक एक्टिविटी देखनी है जिसमें आप लोगों को इस तरह की एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा। चैप्टर 5, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इन टू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल। आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वेपर फॉर्म में जाता है, वेपर को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वापस फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस को पिघलते हुए भी हम लोगों ने अच्छे से देखा होगा, जब भी आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, जब भी हम गर्म करते हैं आइस बर्फ को वो क्या होती है, गलने लगती है। वॉट डज इट चेंज इन टू, ये किस प्रकार का चेंज था, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू द आइस, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये संभव है कि पानी से हम लोग वापस फिर से बर्फ जमा सकें या बर्फ से वापस फिर हम पानी को प्राप्त कर सकें, तो क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, तो चलिए कुछ चेंजेस को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक्टिविटी नंबर 7 के द्वारा। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल, आप लोगों को एक मोमबत्ती लेनी है, उसको स्केल की सहायता से नाप लेना है कि उसकी लंबाई कितनी है। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस, और एक स्थान पर उसको अच्छे से रख देना है और उसको लाइट इट, जला देना है। लेट इट बर्न, और इसको कुछ समय तक छोड़ देना है जलते हुए, फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, और आपको क्या करना है, उस कैंडल को बुझाना है, एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, और वापस आप लोगों को स्केल की सहायता से उस मोमबत्ती की जो लंबाई थी उसको फिर से क्या करना है, मेजर करना है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या आपको लगता है कि कैंडल की जो लेंथ थी क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, अगर वापस से उसी मोम जो गली थी मोम उसको वापस हम लोग क्या करते हैं, वापस से गलाते हैं, उसकी मोमबत्ती तैयार करते हैं, क्या एक तरह का रिवर्सिबल चेंज हो सकता है या फिर नहीं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, आप लोगों स्टिक की सहायता से वापस 7th वाली एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक ये पूरी तरह से कम्प्लीटली जल नहीं जाती मोमबत्ती। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से स्टिक में परिवर्तन आया। द स्टिक बर्न्स टू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, आपने देखा जो स्टिक आप लोगों ने यूज़ की थी, इंसेंस की स्टिक जो आपने यूज़ की थी वो कुछ नया मटेरियल बनाया था। दीज आर ऐश, और वह क्या था, एक तरह की राख थी। एंड सम गैसेस ऑल्सो प्रोड्यूस बाई हीटिंग दिस कैंडल, और कुछ ना कुछ गैसेज भी निकली थी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंस स्मेल, हम लोगों ने स्मेल से पहचान लिया था कि कोई गैस वहाँ से रिलीज हुई थी। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या आप कह सकते हो कि ये एक तरह का रिवर्स चेंज है, वापस वो मोमबत्ती अपनी पुरानी अवस्था में पहुँच जाएगी, जो गैस निकली वापस उसी में वापस चली जाएगी। एंड वॉट अबाउट द चेंज, और किस प्रकार का परिवर्तन है ये भी आप लोगों को बताना है। विच अकर्ड इन द मैच स्टिक, जो मैच स्टिक की सहायता से आप लोगों ने यू यूज टू लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, तो आपने जब माचिस की तीली जलाई थी उसमें भी बताना है कि किस प्रकार का वो परिवर्तन था। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस तरह के परिवर्तन के बारे में। अकरिंग इन गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स मटीरियल, तो कई तरह के मटीरियल्स जो अपनी अवस्था को बदलते थे वापस पुरानी अवस्था में आ जाते थे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आ रहा होगा। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर वेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टूगेदर, तो किस प्रकार दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने के बाद जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वो किस प्रकार का होता है, ये आप लोगों को बताना है इन चैप्टर नंबर 4। आपकी क्लास में जो चैप्टर नंबर 4 मैंने पढ़ाया था उसको आप लोग फिर से देखिएगा। विद डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, तो हमने पानी में नमक को घोला था, तो आपने क्या देखा, वॉट डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन अ वाटर, तो किस प्रकार का वो परिवर्तन था, क्या पानी में वो नमक घुल गया था पूरी तरह से, और क्या उस नमक को वापस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या इसको वापस से पुनः पाना संभव हो सकता है। वेट इन चैप्टर 5, तो आपने चैप्टर 5 में इंतजार किया था। वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन द वाटर, और किस प्रकार हम लोग सॉल्ट को अलग करते हैं सोल्यूशन ऑफ वाटर से, तो पानी से किस प्रकार सॉल्ट को अलग किया जाता है ये आपने क्लास की 5th चैप्टर में पढ़ लिया होगा। सो कैन वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन द वाटर इज़ बी रिवर्स,
बिल्कुल सही है, पहेली ने जो क्वेश्चन पूछा था, पहेली आज इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बींग सेट, आपने देखा कि दूध से दही जमता है और दही के बाद वापस हम लोग दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, और अगर आपको दही बनाना है तो थोड़ा सा दही की मात्रा अगर आप दूध में रख डालोगे तो वापस वो भी दही जम जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। द मिल्क इज स्टर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स टू वार्म प्लेस, गर्म स्थान पे रखना है उसको और दही बनना चालू हो जाएगा। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ समय बाद द मिल्क चेंजेस इन टू द कर्ड, कुछ समय बाद वो जो दूध था जिसमें आपने थोड़ा दही मिलाया था वो दूध भी दही बन गया। अब क्या इस तरह का चेंजेस को आप लोग रिवर्स कर सकते हो, वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो। वी फाइंड दैट अ फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी, तो हमने देखा ऐसे परिवर्तन जो अपने मूल अवस्था में पुरानी अवस्था में नहीं पहुंचते, इस तरह के परिवर्तन को आप लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स नहीं होता। बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विद सम सब्सटेंसेस वी आल्सो फाइंड दैट द सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे आपने देखा बर्फ़ से पानी का बनना और पानी से दोबारा फिर से बर्फ जमना, ये एक तरह का रिवर्स चेंज था, जबकि दूध से दही का जमना एक तरह का नॉट रिवर्स चेंज, मतलब इररिवर्स चेंज था। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज टू चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो परिवर्तित होती रहती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, जिनमें से कुछ रिवर्स होती हैं और कुछ नहीं होती। दस changes around us could be grouped as those it can be reversed or it cannot be reversed, तो आप लोग एक ग्रुप तैयार कर सकते हो, एक लिस्ट तैयार कर सकते हो जिसमें कोई चीज़ परिवर्तित होती है वापस अपनी पुरानी अवस्था में पहुंचती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होने के बाद अपनी पुरानी अवस्था में नहीं पहुंचती। तो बना सकते हैं, आज ही कलम पेंसिल और कॉपी उठाइए और एक लिस्ट तैयार कीजिए। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस वे इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज दीज कैन बी ग्रुप, और किस प्रकार से हम लोग ग्रुप को बना सकते हैं रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के इस चैप्टर को, चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को आप लोग दोबारा फिर से सुनिएगा जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में काफ़ी और जानकारियाँ प्राप्त हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।